नमस्कार दोस्तों, ग्लोरियस क्लासेज की ऑनलाइन परिचर्चा में हमारी जो बात चल रही थी वो पिछले क्लास में जो बात हुई थी वो यहाँ तक हुई थी कि जो महात्मा गांधी है उन्होंने यानी इस क्रिप्स मिशन के बारे में क्या कथन कहा था। तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था, उत्तर तिथांकित चेक कहा था और दिवालिया चेक कहा था, जबकि इसी के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डूबता बैंक कहा था, जबकि कांग्रेस ने कहा था कि ये पाकिस्तान नामक जीवाणु से युक्त है, मुस्लिम लीग ने कहा था कि सांप्रदायिक आधार पर देश का विभाजन नहीं होगा, जबकि इसी के बारे में पटाभी सीतारमैया ने कहा कि ये अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित रूप है। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों मामला यहां तक होता तो ठीक था, लेकिन आप आगे बात करें तो यूं कहा जाता है कि साहब अक्टूबर 1943 में अक्टूबर 1943 में लॉर्ड ले ने लेथागो लॉर्ड ले लेथागो लॉर्ड मिन लिथागो के स्थान पर जो भारत का जो वाइसराय बना था, ये वाइसराय बना कौन था? तो लॉर्ड मिन लिथागो के स्थान पर जो भारत का वाइसराय बना उसका नाम था लॉर्ड वेवेल। लेकिन इससे पहले मैं परिचर्चा करूं तो मैंने यूं भी बताया था कि जो क्रिप्स मिशन है इसकी असफलता के कारण एक आंदोलन एक प्रस्ताव बुलाया गया था जिसका नाम था वर्धा प्रस्ताव। ये वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को बुलाया गया था और इस वर्धा प्रस्ताव में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था डू एंड डाई का, यानी करो या मरो का नारा दिया था। और इसी वर्धा प्रस्ताव में कहते हैं कि महात्मा गांधी ने एक आंदोलन की भी मांग की थी, भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस आंदोलन को स्वीकृति दी थी और इस आंदोलन की जो शुरुआत मानी जाती है वो 9 अगस्त 1942 से मानी जाती है। इसीलिए अगस्त में शुरुआत होने के कारण उसको अगस्त क्रांति कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है अक्टूबर 1943 में जो लॉर्ड मिन लिथागो के स्थान पर भारत का नया वाइसराय बना था जिसका नाम था लॉर्ड वेवेल। इस लॉर्ड वेवेल ने 4 जून 1945 को भारतीय जो संविधान है उस संविधान से संबंधित एक रिपोर्ट तैयार की थी, यानी पहला जो ब्रिटिश अधिकारी जिसने भारतीय संविधान की मांग की थी लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल ने भारतीय संविधान से संबंधित एक रिपोर्ट तैयार की थी, उसी रिपोर्ट को किस नाम से जानते हैं? वेवेल योजना के नाम से जानते हैं। देखो दोस्तों ये क्या था, ये एक पद चलता था, ये क्या था? पद चलता था। पद का मतलब यूं है कि साहब पद का मतलब क्या था, जैसे मतलब आपने सुना होगा कभी कि 1600 ईस्वी में जो महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम है इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। इसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा था कि साहब एक जो कंपनी के माध्यम से व्यापार होगा और उसके लिए एक गवर्नर होगा, लेकिन 21 जून 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत कहा गया कि गवर्नर के स्थान पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उपाधि सर्जित की गई और प्रथम जो गवर्नर जनरल बनाया गया वो वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। लेकिन 1833 में कहा गया कि सर जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा वो संपूर्ण भारत का भी क्या होगा? गवर्नर जनरल होगा। लेकिन कहते हैं कि 1858 में महारानी जो विक्टोरिया ने कहा कि
अब गवर्नर जनरल के पद को हटा दिया जाए और वाइसराय का पद सृजित किया जाए। तो ये वाइसराय यानी कहने का मतलब कंपनी में जो शासन का जो संचालन करता था उसको कहा जाता था। तो अक्टूबर 1943 तक जो भारत का वाइसराय था वो लॉर्ड लेथगो था, लेकिन इसके स्थान पर जो वाइसराय बना वो लॉर्ड वेवेल बना। इस लॉर्ड वेवेल ने कब 4 जून 1945 को भारतीय संविधान से संबंधित एक रिपोर्ट तैयार की और इसी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि यूं कहा जाता है कि 1945 में ब्रिटिश 1945 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हुआ। और कहा जाता है कि साहब जो वेस्टर्न चर्चिल था उस वेस्टर्न चर्चिल के स्थान पर जो क्लेमेंट एटली था, क्लेमेंट एटली इसको प्रधानमंत्री बनाया गया। ये वेस्टर्न चर्चिल था, ये कंजर वेटिव पार्टी का था और ये जो क्लेमेंट एटली था ये कौन सी पार्टी का बताते हैं, तो लेबर पार्टी का बताते हैं, यानी श्रमिक दल लेबर पार्टी। अब साहब 1945 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री का चुनाव हो ही गया, वेस्टर्न चर्चिल के स्थान पर क्लेमेंट एटली को प्रधानमंत्री बनाया। इस क्लेमेंट एटली ने 14 मार्च 1946 को 14 मार्च 1946 को क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा, हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उस ब्रिटिश पार्लियामेंट के दो सदन हैं, एक का नाम हाउस ऑफ कॉमन्स है और एक का नाम हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो इसने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा, हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा, कहा क्या कि साहब भारत भी क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, भारत भी स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, यह बात कह दी इसने। मैंने यूं कहा कि 14 मार्च 1946 को जो ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री बताते हैं जिसका नाम क्लेमेंट एटली था, इसने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि भारत में क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों इसी के परिणाम स्वरूप, इसी के परिणाम स्वरूप जो क्लेमेंट एटली था, इस क्लेमेंट एटली ने कब, तो यूं कहा जाता है कि 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को इसके क्लेमेंट एटली ने कहते हैं कि अपने जो तीन कैबिनेट मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, इन तीन कैबिनेट मंत्रियों को कहां भेजा, भारत भेजा, भारत। और वो तीन कैबिनेट मंत्री कौन कौन से थे, देखो नंबर एक है पेंथिक लॉरेंस, पेंथिक लॉरेंस, नंबर एक पेंथिक लॉरेंस था, नंबर दो एवी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर एक था, एवी अलेक्जेंडर एक था, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स,
तीन कैबिनेट मंत्री कहाँ पहुंचे? भारत पहुंचे। इसीलिए भारत में इन कैबिनेट मंत्रियों को क्या कहा गया? इसी कैबिनेट जो मंत्री थे इनको भारत में क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन कहा गया। कैबिनेट मिशन इन कैबिनेट मंत्रियों को भारत में कैबिनेट मिशन कहा गया। ये पेंथिक लॉरेंस बताते हैं, ये उस समय मुख्य सचिव था, भारत का मुख्य सचिव। ये जो एवी अलेक्जेंडर था ये उस समय नौसेना अध्यक्ष। और ये जो सर स्टेफर्ड जो क्रिप्स था ये उस समय व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री था, व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री। ये उस समय व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री था। ये तीनों कैबिनेट मंत्री भारत में आए, भारत में इसको कैबिनेट मिशन कहा गया। कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष माना गया वो किसको माना गया? अध्यक्ष माना गया वो पेंथिक लॉरेंस को माना गया। किसको माना गया? पेंथिक लॉरेंस को। कहते हैं कि दोस्तों मामला यहां तक होता तो ठीक था, लेकिन आगे यूं कहा जाता है कि साहब जो 16 अप्रैल 1946 को त्रिदलीय एक सम्मेलन हुआ शिमला में, जिसमें कहते हैं कि मुस्लिम लीग था, कांग्रेस था और ये कैबिनेट मिशन था। कांग्रेस की ओर से तीन व्यक्ति बताते हैं जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का नाम आता है। जबकि उसी समय तीन जो व्यक्ति थे वो मुस्लिम लीग की ओर से हुए, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली और इस्माइल खां। यूं कहा जाता है कि साहब कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है उनके मध्य टकराव पैदा हुआ। इसके कारण ये जो शिमला जो सम्मेलन समझौता सम्मेलन हुआ था शिमला में, ये सम्मेलन क्या रहा? असफल रहा। इसी के परिणाम स्वरूप यूं कहा जाता है कि साहब इस कैबिनेट जो मिशन थी, इस कैबिनेट मिशन ने अपने सुझाव दिए, लेकिन सुझाव कब दिए थे? 16 मई 1946 को। ये यहां तक बातें हुई हैं अब तक। अब इन्होंने क्या सुझाव दिए उनके बारे में तो चर्चा करते हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद में, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। अभी तक जो चर्चा हुई है मैंने यूं कहा कि अक्टूबर 1943 में जो लॉर्ड लिनले था गोवा, उसके स्थान पर भारत का जो नया वायसराय बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? लॉर्ड वेवेल को। इस लॉर्ड वेवेल ने भारतीय संविधान से संबंधित एक रिपोर्ट तैयार की थी, कब? 4 जून 1945 को। और इसी रिपोर्ट को किस नाम से जानते हैं? वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। 1949 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री का क्या हुआ? चुनाव हुआ। और वेस्टन चर्चिल बताते हैं ये कंजर्वेटिव पार्टी का, बताते हैं उसके स्थान पर कहते हैं कि क्लेमेंट एटली ये लेबर पार्टी का प्रधानमंत्री बना। क्लेमेंट एटली ने 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि साहब जो भारत में क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने तीन कैबिनेट मंत्रियों को कहां भेजा? भारत भेजा। इनमें पेंथिक लॉरेंस का नाम आता है, ये मुख्य सचिव था। नंबर दो एवी अलेक्जेंडर का नाम आता है, ये उस समय नौसेना का अध्यक्ष था। और नंबर तीन कहते हैं कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स का नाम आता है, ये व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री बताते हैं। ये तीनों कैबिनेट मंत्री भारत में आए, भारत में इनका दिल्ली आगमन हुआ और इसी के कारण में ये कैबिनेट मंत्री होने के कारण इसको कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाने लगा। कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष बताते हैं वो पेंथिक लॉरेंस को बताते हैं। शिमला में ये इन्हीं को लेकर कहते हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग और ये कैबिनेट मिशन इनके मध्य त्रिदलीय एक सम्मेलन हुआ, लेकिन वह सम्मेलन क्या रहा? असफल रहा। इसी के परिणाम स्वरूप 16 मई 1946 को इस कैबिनेट मिशन ने अपने क्या दिए? सुझाव दिए। क्या दिए दोस्तों? सुझाव। अब सुझावों में क्या क्या दिया ये देखते हैं, एक बार चर्चा करते हैं। तो देखो 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने सुझाव दिए
क्या क्या सुझाव दिए वो देखते हैं, एक एक पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि साहब भारत का संविधान तो बनेगा, संविधान तो बनेगा, लेकिन चुनाव होना, चुनाव होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। अति आवश्यक इन्होंने कहा कि भारत का संविधान तो बनेगा लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, चुनाव होना अति आवश्यक। नेक्स्ट दूसरी बात इन्होंने कहा था कि चुनावों में तीन वर्ग भाग लेंगे। कितने वर्ग भाग लेंगे? तीन वर्ग भाग लेंगे। इन्होंने कहा कि चुनाव में कितने वर्ग भाग लेंगे? तीन वर्ग भाग लेंगे। अब वो तीन वर्ग कौन कौन से? नंबर एक मुस्लिम वर्ग, नंबर दो सिख वर्ग, और नंबर तीन सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग इन्होंने कहा कि भारत का संविधान तो बनेगा लेकिन इसके लिए चुनाव होना अति आवश्यक है। चुनाव में वर्ग तो भाग लेंगे लेकिन कितने वर्ग? तीन वर्ग। कौन कौन से? तो मुस्लिम वर्ग, सिख वर्ग और सामान्य वर्ग। इन्होंने कहा नेक्स्ट अगली बात कि प्रांतों से सदस्य तो आएंगे, प्रांतों से सदस्य तो आएंगे, सदस्य तो आएंगे, प्रांतों से सदस्य तो आएंगे लेकिन लेकिन वहां की विधानसभा के, वहां की विधानसभा के, वहां की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, सदस्यों के द्वारा 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। उन्होंने कहा कि प्रांतों से सदस्य तो आएंगे। प्रांत का मतलब क्या होता है? प्रांत का मतलब होता है राज्य। उन्होंने कहा कि राज्यों से सदस्य तो आएंगे लेकिन उस समय में राज्यों में क्या हुआ करता था? विधानसभा। विधानसभा और विधान परिषद दो अंग होते हैं विधानमंडल के। तो उन्होंने कहा कि विधानसभाओं के जो सदस्य हैं यानी जो विधायक हैं उनके द्वारा एक सदस्य आएगा लेकिन कितने लाख की जनसंख्या पर? 10 लाख की जनसंख्या पर। उसके बाद में नेक्स्ट उन्होंने कहा कि देसी रियासतों से सदस्य तो आएंगे, देसी रियासतों से सदस्य तो आएंगे
सदस्य तो आएंगे आएंगे, लेकिन लेकिन शासकों के द्वारा लेकिन शासकों के द्वारा द्वारा मनोनीत होकर मनोनीत होकर, यानी उन्होंने कहा कि देसी रियासत, रियासत किसको बोलते थे पहले, डिस्ट्रिक्ट यानी जो जिले होते हैं उनको रियासत कहा जाता था। जैसे हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं तो यूं कहा जाता है कि जब 1 नवंबर 1956 या जब भारत जब स्वतंत्र हुआ 1 नवंबर 1956 या राजस्थान का पुराना एकीकरण हुआ था, उस समय 19 रियासत 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था, ऐसे ऐसे पढ़ते हैं हिस्ट्री में। तो देसी रियासत यानी जो डिस्ट्रिक्ट होते थे वहां शासन कौन करता था, एक शासक करता था, राजा करता था। उन्होंने कहा कि साहब शासकों के द्वारा कैसे सदस्य आएंगे, तो मनोनीत होकर आएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है, उन्होंने कहा कि 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से आएंगे। 4 सदस्य कहां से आएंगे, चीफ कमिश्नरी, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से आएंगे। 4 चीफ कमिश्नरी बताते हैं जिसको बोलते हैं ABCD, ABCD। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है दोस्तों अजमेर का मेरवाड़ा, अजमेर का कौन सा मेरवाड़ा। बी का मतलब क्या होता है, बलूचिस्तान, ये फिलहाल अफगानिस्तान में है बलूचिस्तान। और सी का मतलब क्या होता है, कुरग, तुरक नहीं है ये भाई, कुरग है, कुरग ये कहां, कर्नाटक में। और दिल वालों की क्या है, दुलरिया नहीं है वो दिल्ली है, दिल्ली। तो उन्होंने कहा कि 4 सदस्य कहां से आएंगे, चीफ कमिश्नरी से आएंगे। 4 चीफ कमिश्नरी उन्होंने बताया ABCD, यानी अजमेर का मेरवाड़ा बताया, बलूचिस्तान बताया, और कुरुग कर्नाटक बताया, और दिल्ली बताया। नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों मामला यहां तक होता तो भी ठीक था, लेकिन यूं कहा जाता है कि साहब संविधान में सदस्य तो आए लेकिन 11 प्रांतों से आए। संविधान में कितने प्रांतों से सदस्य आए, 11 प्रांतों से। और 11 प्रांतों से संविधान में कितने सदस्य आए, 292 सदस्य। कितने आए, 292 सदस्य। अब ये 292 सदस्य आए, उस समय जो रियासत को श्रेणियों में बांटा गया था, ए श्रेणी की प्रांत, बी श्रेणी के प्रांत, सी श्रेणी के प्रांत, ऐसे श्रेणियों में बांटा गया था, वो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में फजल अली की अध्यक्षता में एक फजल अली आयोग गठित हुआ था। और उसी आयोग की सिफारिश पर 1955 में कहते हैं कि राज्यों की इन श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया था। तो उस समय जो 11 प्रांतों से आए, तो 3 श्रेणियों के प्रांतों से आए थे ये। सबसे पहले ए श्रेणी की प्रांत देखते हैं, ए श्रेणी की प्रांत, ए श्रेणी की प्रांत में मैं बात करूं तो सबसे पहले जो आए थे वो संयुक्त प्रांत से आए थे, संयुक्त प्रांत। अब संयुक्त प्रांत किसको कहा जाता था, संयुक्त प्रांत कहा जाता था यूपी को। और यूपी से संविधान में कितने सदस्य आए थे, 55। उसके बाद में नेक्स्ट है, कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि मद्रास से संविधान में सदस्य तो आए थे लेकिन कितने आए थे, 49। बिहार से संविधान में सदस्य तो आए थे लेकिन बिहार से संविधान में कितने सदस्य आए थे, 36। उसके बाद में नेक्स्ट है, बंबई से संविधान में सदस्य तो आए थे लेकिन बंबई से कितने आए थे, 21। उसके बाद में नेक्स्ट, बर्मा बरार से संविधान में सदस्य तो आए थे लेकिन बर्मा बरार से कितने सदस्य आए थे, तो 17। और उसके बाद में नेक्स्ट है उड़ीसा, उड़ीसा में संविधान से सदस्य तो आए थे लेकिन कितने सदस्य आए थे, उड़ीसा से संविधान में सदस्य तो आए थे दोस्तों लेकिन कितने सदस्य आए थे, तो कहते हैं कि उड़ीसा से 9 सदस्य आए थे। कितने आए थे, 9 सदस्य। ये ए श्रेणी के प्रांत से आए थे। उसके बाद में नेक्स्ट बी श्रेणी की प्रांत,
श्रेणी की प्रांतों के बारे में मैं बात करूं, बी श्रेणी के प्रांत, तो बी श्रेणी के प्रांत में कहते हैं कि पंजाब का नाम आता है, और पंजाब से संविधान में सदस्य तो आए थे लेकिन पंजाब से कितने आए थे, 28। उसके बाद में नेक्स्ट है, सिंध प्रांत से संविधान में सदस्य तो आए थे लेकिन सिंध प्रांत से कितने सदस्य आए थे, तो 4 आए थे। उसके बाद में नेक्स्ट है, उत्तरी उत्तरी पक्ष में प्रांत से संविधान में कितने सदस्य आए थे, उत्तरी पक्ष में प्रांत पश्चिमी प्रांत उत्तरी पक्ष में प्रांत से संविधान में सदस्य तो आए लेकिन 3 सदस्य आए थे। ये बी श्रेणी की प्रांत, सी श्रेणी की प्रांत, सी श्रेणी की प्रांत। अब सी श्रेणी के प्रांत में कहते हैं कि सबसे पहले जो नाम आता है वो पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल से संविधान में सदस्य आए थे लेकिन कितने